लोकसभा चुनाव, बसपा बिहार में सभी 40 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बिहार में महागठबंधन से अलग राह पकड़ते हुए अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बसपा ने राज्य के सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। इसको लेकर बसपा की अध्यक्ष मायावती ने राज्य के नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाई है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भरत बीद ने सोमवार को बताया कि अध्यक्ष मायावती ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिहार को निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक पार्टी सभी 40 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। भरत बीद ने बताया कि पूरे राज्य में बसपा के जनाधार और सक्रियता को बढ़ाने का प्रयास प्रभार कर दिया गया है। इसी बीच बिहार प्रदेश प्रभारी डॉ लालजी मेदकर ने एक बयान जारी कर कहा कि राजनीति और जातिगत भागीदारी को ध्यान में रखते हुए सभी सीटों पर उम्मीदवारों का चयन करने का भी निर्देश अध्यक्ष द्वारा दिया गया है। उम्मीदवारों के चयन को ध्यान में रखते हुए पार्टी प्रमुख मायावती ने 28 फरवरी को दिल्ली में बिहार के नेताओं की बैठक बुलाई है। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा साथ चुनाव लड़ रही है। हाल ही में RJD नेता तेजस्वी यादव UP में मायावती और अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।